हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय डिप चैनल और आज की स्टूडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपके ब्लाउज का आर्म होल टाइट होता है या लूज होता है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो और जब आप ब्लाउज के लिए फरमा तैयार करते हो तो उस टाइम आपको किस बात का ख्याल रखना है ताकि ये जो ये प्रॉब्लम है ब्लाउज का आम हो लूज़ होने का या टाइट होने का ये, ये प्रॉब्लम ना हो और जब आप सिर्फ जोड़ते हो तो उस टाइम आपको किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको सिलने यानी आपका ब्लाउज जोड़ने से पहले ही पता चल जाए फिटिंग करने से पता पहले ही पता चल जाए कि आपका आम हो लूज़ होगा या टाइट होगा तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा हुआ है का ये ड्राफ्टिंग है और उससे पहले मैं आपको आपको बता दूं कि जब भी आप या कर कर रहे हो तो आपको हमेशा आपका जो है है। वो मेजर कर लेना है। जैसे अगर आप फैब्रिक यानी ब्लाउज रेडी ब्लाउज से अगर आ, आप ब्लाउज की कटिंग कर करें तो आपको उसका मेजरमेंट ले लेना है आर्म होल का तो वो आप कैसे लेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले जहाँ पे आपका शोल्डर है शोल्डर जोड़ा गया है वहां से आपको लेना है जैसे यहाँ पे मेरे जोड़ा गया है तो यहाँ से मैं लूंगी और इस तरह गोलाई में फिटिंग लाइन तो आ रही है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा सेवन इंच आ रहा है तो मेरी जो आर्म होल की गोलाई है वो सेवन इंच मुझे तैयार चाहिए तो हमने जाना कि जितना भी हम लोग का आर्म होल है यहाँ पे मैंने सेवन इंच तो मुझे तैयार चाहिए तो जब भी आप फैब्रिक सॉरी फ्रेंड्स जब भी आप पेपर ड्राफ्ट करते हो तो जब भी आप पेपर ड्राफ्ट करें हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना है अगर आप विगनर है और आपको प्रॉब्लम होती है कि आपकी आम होल हमेशा लूज हो जाती है बढ़ जाती है तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिए आपकी आम होल जो है जितनी भी आपकी आम होल रहती है उतना ही यहाँ पे मैसर करने पर आए अगर उतना आता है तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स आपका होल का जो लूज होने का प्रॉब्लम है ना वो नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ से मेजर कर रहे हो और आपका सेवन इंच आ रहा है तो आपको तैयार सेवन इंच चाहिए, आम होल ठीक है तो यहाँ पे आप लोग सकते कि हमें हाफ जो जो हम लोग का शोल्डर जो जोड़ने में चला जाएगा तो उसके लिए हमें हाफ इंच चाहिए तो अगर आपकी की प्रॉब्लम होती है आम होल लूज होने की प्रॉब्लम होती है तो अगर आप सेवन इंच रखते हो टोटल तो ये बराबर से बिल्कुल आ जाएगा आपका यानी लूज नहीं होगा अगर आप पहले ही यहाँ से मार्जिन को छोड़ते हुए अगर आप राउंड में मेजर करते हो और सेवन इंच आएगा और आपका आम होल लूज होने का प्रॉब्लम होता है तो ये क्या आपका आम होल तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका आम होल जो हमेशा स्टिचिंग के टाइम बढ़ जाता है तो उन लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जितना भी आपका आम होल है उतना ही आप मेजर में ले अगर आपको आम होल टाइट हो जाएगा तो आप उसको सही कर सकते हो यहाँ से कट करके लेकिन अगर आपका आम हो लूज हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा इसको सही नहीं कर सकते जैसे एक इंच तक अगर आपका आम हो लूज हो जाएगा तो फिर उसको सही करना बहुत ही मुश्किल होता है तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका आम हो लूज हो लूज होता है तो ये प्लीज आप लोग हमेशा कम रखिए क्योंकि अगर आपका आम हो लूज होता है तो आपको हमेशा कम ही रखना चाहिए ज्यादा मत रखेगा और जब भी आप तो कभी भी मेजर कर रहे हो अपना आर्म होल कि आपका आम होल सही है कि नहीं है तो यहाँ पे स्टिचिंग का जो मार्जिन होता है वहां पे आप लोग सबसे पहले मार्किंग कर लीजिए ठीक है जितना आपका स्टिचिंग करते हो आप और फिर वहां से आपको मेजर कर लेना इस तरह से तो आप देखोगे कि हम लोग का बिल्कुल यहाँ पे सेवन इंच रेडी हो रहा है ठीक है और ये हाफ इंच हम लोग का जो शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा वो आ रहा है ठीक है तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ से भले ही कम रखा हो यहाँ से मेजर करके अपना आर्म होल जैसे सिक्स पॉइंट अगर हम लोग अपना शोल्डर जोड़ जो, जो जोड़ने में चला जाएगा उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो ये सिक्स पॉइंट टू फाइव आ रहा है लेकिन जब हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं इसको जो हम लोग का स्टिचिंग में स्टिचिंग जहां से हम लोग करेंगे जितना यानी इंच लेंगे हम लोग स्टिचिंग में कपड़ा उतना अगर हम लोग उसको छोड़ के मेजर कर रहे हैं इस तरह से तो आप लोग देख सकते कि ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है यहाँ पे सेवन इंच आ रहा है और ये यानी टोटल हम लोग का साढ़े सात इंच आ रहा है तो हाफ इंच तो हम लोग का शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पे कि आप आम होल कम रख रहे हो फिर भी आपका आम होल परफेक्ट आएगा क्योंकि हम लोग जोड़ते हैं यहां से यहां से हम लोग नहीं जोड़ते क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग हमने कटिंग किया हुआ जोड़ते हैं यहाँ से तो ये तो इस तरह से मुड़ जाता है ये वाला पार्ट तो ठीक है ये वाला पार्ट तो इस तरह से मुड़ जाता है तो आपका आम होल जो रेडी रहेगा ना ये वाला रहेगा ठीक है ये वाला नहीं रहेगा तो इसीलिए आप इस तरह से मेजर करके जिनों को लूज होने की प्रॉब्लम होती होगी तो उन लोगों के लिए ये टिप्स है कि अगर तो वो लोग इस तरह से मेजर करके बनाए क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिन लोग को आम होल लूज होने की प्रॉब्लम हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है क्योंकि वो लोग यहाँ से ही जितना तैयार है ठीक है मार्जिन को छोड़ देते हैं मार्जिन को छोड़ देते हैं उतना तैयार ले, ले लेते हैं यहाँ तक उनका आ जाता है सेवन इंच अगर हम लोग का यहाँ पे आता तो हम लोग का भी आम होल जो है वो लूज हो जाता है ठीक है पर फिर भी अगर बाइांस आपका आम होल लूज हो जाता है जैसे हाफ इंच जैसे आपका अगर आम होल लूज हो गया है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको इस तरह से जैसे हाफ इंच हम लोग का लूज हुआ है तो यहाँ से हम लोग हाफ इंच लेंगे और इस तरह से और सुन के यहाँ से हाफ इंच हम लोग कट कर करके निकाल देंगे ठीक है जब हम लोग ये वाला हाफ इंच कट कर करके निकाल देंगे तो हम लोग का जो वो हाफ इंच यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपका ज्यादा हो रहा है यानी एक इंच जैसे हो रहा है तो फिर तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स क्योंकि तो हम लोग एक इंच यहां से बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी अगर आपको आम होल लूज होने की प्रॉब्लम है तो ये वाली टिप्स आप अपना सकते हो ठीक है अब बात करते हैं जिन लोगों का आम होल टाइट होता है ठीक है तो जिन लोगों ने आम होल तो जिन लोगों ने अपना ब्लाउज रेडी कर लिया होगा यानी अगर आपको रेडी होने के बाद पता चलता है कि आपका आर्म होल जो है वो लूज या यानी सॉरी टाइट हो गया है तो आप उसको कैसे सही करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो आर्म यानी स्लीव्स है उसको खोलना पड़ेगा उसको आपको उसके बाद आपको अपना आर्म होल रेडी करना पड़ेगा जितना आपका आर्म होल है उतना ठीक है तो उसके लिए आपको कैसे आप यहाँ से कितना कटिंग करोगे उसके लिए मैं यहाँ पे बताती रही जैसे हमें आम होल जो है हम लोग को शोल्डर को छोड़ने के बाद ठीक है शोल्डर का तो ये वाला शोल्डर है हाफ इंच ये चला जाएगा तो उसके बाद हमें साढ़े सात इंच तैयार चाहिए ठीक है तो जैसे मैंने वहां पे बताया कि आपको जहां पे आप जितना स्टिचिंग मार्जिन लोगे वहां से आपको मेजर करना है तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग का सेवन इंच आ रहा है ठीक है लेकिन हमें तो साढ़े सात इंच तैयार चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा ठीक है तो तो यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि हमें साढ़े सात इंच तैयार चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो हाफ इंच का यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है तो हाफ इंच को अगर हम लोग दो भाग करेंगे तो जितना आपका आएगा ठीक है वहां आपको मार्किंग कर लेना है और वहां पे मार्किंग करने के बाद आपको आपका जो आर्म होल है उसको इस तरह से कट कर लेना है ये हमने कट कर लिया है अब यहां से हमें हाफ इंच की डिस्टेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्टिचिंग के लिए हाफ इंच ले रहे हैं ना और अब हम लोग मेजर करके देखेंगे कि हम लोग का साढ़े सात इंच ये रेडी हो रहा है कि नहीं तो हम लोग देख लेते हैं कि यहां से हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तो स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से मेजर करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग का कम है ठीक है यहाँ पे सेवन पॉइंट टू फाइव ही आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके ही कट करना है फ्रेंड्स एक बार में नहीं कट करना है क्योंकि अगर आप एक बार में कट कर देते हो तो फिर हो सकता है कि आपका जो आम होल है वो लूज हो जाए तो जब आप शुरुआत में ऐसे कट करते हो फिनिशिंग करते हो आम होल की तो थोड़ा थोड़ा कट करके ही मेजर करके किया कीजिए और यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए मैं हम लोग मेजर करेंगे फिर से देखते हैं साढ़े साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी ठीक आ रहा है साढ़े साथ आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है अभी हम लोग का आम होल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है अभी ये आपका फिटिंग में बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा तो दोनों साइड का जो आपको ऐसे ही करना है अगर आपकी आम होल टाइट हो रही है तो और जब भी आप आम यानी स्लीव जोड़ते हो उससे पहले भी आपको इसी तरह से मेजर कर लेना है आपका आम होल और आपको देखना है कि आपका आर्म होल बिल्कुल सही है कि नहीं सही है सो so फ्रेंड्स मैंने आज, आज आपको बताया कि किस तरह से आपको आर्म होल आपको चेक करना है ताकि आपको अपना जो ब्लाउज है वो स्टिचिंग पूरा करने से पहले ही स्लीव सब जोड़ने से पहले ही आप ये क्लियर कर दो कि आपका आर्म होल टाइट होगा कि लूज होगा तो आज मैंने आपको ये बताया आई होप कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा फेबर पे अच्छे से बता दूंगी तो आप लोग इसीलिए मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हुआ हुआ होगा तो और यहाँ पे मैंने आपको आर्म होल की जो जानकारी है वो मैंने काफी आपको दे दी है मैंने मैंने कोशिश की है कि इसमें आपका जो आम होल का प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो जाए क्योंकि काफी लोगों को का आम होल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो स्लिप्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो स्लीप्स के ऊपर होगी कि स्लिप्स आपका लूज क्यों होता है तो वो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है तो उस पर भी वीडियो बनेगा तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो का वेट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए अगर पसंद आता है तो और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देख पाए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय